हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पिछले काफ़ी दिनों से यामाहा के बारे में कुछ खबर चल रही है मार्केट में कि यामाहा अपना एक नया बाइक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बाइक 110 सीसी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यामाहा से हमें उम्मीद है कि 150 बाइक भी वो इंट्रोड्यूस करें, मगर उसकी अभी कोई चांस नहीं नज़र आते। लेकिन 110 सीसी में ये जो बाइक आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम है यामाहा का सलूटो RX 110। यामाहा की RX सीरीज़ पहले भी पाकिस्तान में आती थी, लेकिन वो बंद हो गई जैसे कि आपको पता है, और उसके बाद अब YBR सीरीज़ पाकिस्तान में आ रही है, और YBR में भी सिर्फ आपको 125 सीसी बाइक्स मिलते हैं। पाकिस्तान में 110 सीसी कैटेगरी में सिर्फ एक ही बाइक है, वो है सुजुकी का। बाकी सब 100 सीसी बाइक्स आपको मिलते हैं, जैसे कि होंडा प्राइडर हो गया या बाकी लोकल कंपनीज़ के बाइक्स हो गए। इस बाइक को पाकिस्तान में लॉन्च करने के बारे में यामाहा सोच तो रहा है, लेकिन अगर ये बाइक भी पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो इसकी प्राइस भी काफ़ी ऊपर ही होगी, क्योंकि अगर आप सुजुकी का GT 110 देख लें तो उसकी प्राइस भी तकरीबन 2 लाख रुपये के नज़दीक है, और होंडा का प्राइडर 100 जो है वो इस वक्त 1,10,000 रुपये पर जा चुका है। तो इस बाइक की क्या प्राइस होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस बाइक के जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए, तो इस बाइक में जो आपको इंजन मिलता है वो 110 सीसी का SOHC इंजन 2-वाल्व है। इस बाइक में आपको फ्रंट और बैक पर ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, कोई डिस्क ब्रेक ऑप्शन इस बाइक में आपको नहीं मिलता। फ्रंट टायर 2.75 17 इंचेस के अलॉय रिम्स और बैक टायर 300 17 इंचेस के स्पोक्स रिम पर आपको मिलता है। इस बाइक की अगर हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करें तो ये बाइक 7.39 हॉर्स पावर 7000 RPM पर और 8.50 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये 4000 RPM पर प्रोड्यूस करता है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 785 mm है। इस बाइक की अगर आप फ्यूल टैंक की बात करें तो वो 7.2 यानी 7.2 लीटर्स है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, 82 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इस बाइक में आपको एक सिंपल सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी एलिगेंट बाइक है। अब यामाहा अगर 110 सीसी में इस बाइक को लॉन्च करता है इस कैटेगरी में, तो इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,30,000 रुपये तक, ऑलमोस्ट इसकी प्राइस आपको देखने में मिलेगी। इस बाइक में 1,23,000 रुपये वाला क्या है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में जिस तरह से बाइक्स की प्राइस में इजाफा हो रहा है तो उससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बाइक के मीटर में आप देख सकते हैं आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन आपका इस बाइक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में बाइक की प्राइसेस में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन बाइक की रेंज में भी इजाफा हो रहा है। एनीवे, यही अपडेट थी यामाहा की तरफ से फ़िलहाल, अभी पक्की नहीं है, जब भी जैसे ही पक्की होगी आपको ज़रूर बताएँगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।